सब्सक्राइब करें एंड्रॉयड ऐप रिव्यू चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को एंड्रॉयड ऐप रिव्यू की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एंड्रॉयड ऐप रिव्यू। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उबर ईट्स एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूं। उबर ईट्स एप्लीकेशंस क्या है और आप इस एप्लीकेशंस को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए सारे एप्लीकेशंस की रिव्यू लेकर के आता रहता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी प्ले स्टोर पर जानी है और यहाँ से आपको उबर ईट्स एप्लीकेशंस को सर्च कर लेनी है। यहाँ देखेंगे उबर ईट्स एप्लीकेशंस को सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगी। इस एप्लीकेशंस की मदद से आप जोमेटो और स्विगी की तरह खाना ऑर्डर कर सकते हैं। उबर ईट्स एप्लीकेशंस का नाम है तो इसमें अब जरूर सी बात है कि ईट्स का कुछ होगा। यहाँ देखेंगे एप्लीकेशंस में 10 करोड़ प्लस डाउनलोड से 4.3 का रेटिंग दिया गया है। आपको इस एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशंस को ओपन के ऊपर क्लिक करके ओपन कर लेनी है। यहाँ देखेंगे एक न्यू पेज कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद OTP आएगी, OTP को फिल कर देनी है और इस एप्लीकेशंस में लॉगिन हो जानी है। यहाँ देखेंगे OTP आने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगी। अब यहाँ से अपने एक ईमेल एड्रेस को आप टाइप करेंगे जो भी आप करना चाहते हैं और यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगी। इसके बाद यहाँ से आपका एक पासवर्ड सेलेक्ट करनी है, कुछ भी कर सकते हैं, चलिए मैं कर ले। इसके बाद यहाँ आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ देखेंगे इस तरीके से आपको अपनी फर्स्ट नेम टाइप कर देनी है जो भी आपकी फर्स्ट नेम है। चलिए मैं भी अपनी फर्स्ट नेम कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देनी है और यहाँ से आपको लास्ट नेम सेलेक्ट कर देनी है और इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देनी है। यहाँ पर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देनी है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देनी है। यहाँ देखेंगे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे आपको अलाउ कर देनी है यहाँ से लोकेशंस को और यहाँ से फिर से अलाउ कर देनी है। इसके बाद यहाँ से आपके सामने अलाउ हो जाएगी और यहाँ से आप एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ अपनी एड्रेस के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। यहाँ देखेंगे इस तरीके से एप्लीकेशंस ओपन हो जाएगी। अब आपको थोड़ी देर वेट कर लेनी है। यहाँ देखेंगे इस तरीके से इंटरफेस दिखाई दे रही है। यहाँ आपको कन्फर्म लोकेशंस के ऊपर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से लोकेशंस दिखाई दे रही है। यहाँ आपको अपनी लोकेशंस में कुछ सेट कर देनी है जैसे कि लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह। यहाँ देखेंगे इस तरीके से करने के बाद जो है आपको गो टू जोमेटो के ऊपर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यदि आपके मोबाइल में जोमेटो एप्लीकेशंस है तो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। अब यहाँ से आपको अपनी जोमेटो एप्लीकेशंस को ओपन कर लेनी है और इसके बाद यहाँ पे उबर ईट्स एप्लीकेशंस आपका जोमेटो एप्लीकेशन से ही लिंक है, यानी कि आप कुछ भी उबर ईट्स से ऑर्डर करेंगे तो वो जोमेटो से ही आएगा। यहाँ अपने मोबाइल नंबर सब वगैरह आपको फिल कर लेनी है और इसके बाद OTP फिल कर देनी है आपको। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ जोमेटो एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी है। यहाँ से इसी तरीके से आप उबर ईट्स एप्लीकेशंस की मदद से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं और उबर ईट्स एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।